जय जवान जय किसान, इसके किसान हेल्प सर में आप सभी किसान मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। किसान मित्रों, यह फार्म ट्रैक का मिनी ट्रैक्टर एटम 26 एचपी का ये मिनी ट्रैक्टर है। उसके साथ में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने व्लॉग चैनल स्टार्ट की है, तो आपने इसके गुजराती व्लॉग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लिंक नीचे दी गई है, वहाँ से जाके आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। तो ट्रैक्टर के आगे से हम लुक दिखाएं तो देख सकते हैं, यह इस ट्रैक्टर में प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं जो कि हैलोजन बल्ब है, लेकिन इसकी रोशनी शानदार है। देख सकते हैं ट्रैक्टर की लुक भी आप देख सकते हैं। ये 26 एचपी का फार्म ट्रैक का मिनी ट्रैक्टर है। तो चलिए हम टायर साइज की बात करें तो आगे की ट्रैक्टर की टायर साइज की बात करें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं ट्रैक्टर की टायर साइज 6-12 के आगे का आपको टायर मिलेंगे। अब हम पीछे के ट्रैक्टर के टायर की साइज बात करें तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं पीछे के टायर की साइज की बात करें तो 8-3-20 के पीछे के टायर मिलेंगे आपको। देख सकते हैं टायर साइज। अब हम इस ट्रैक्टर की पीछे से लुक भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं ट्रैक्टर की लुक, ये उसका टूल बॉक्स देख सकते हैं, प्लास्टिक का है फिलहाल तो ये। और यहाँ से आप ट्रैक्टर की ट्रॉली में ऑयल ले जा सकते हैं और वो इसके नीचे है, वहाँ से आप पावर सप्लाई कर सकते हैं ट्रॉली में। देख सकते हैं ट्रैक्टर की लुक, और ये है उसकी बैक लाइट, और यहाँ पे आपको ट्रैक्टर का स्टोपलिंग मिलेगा। हम इस ट्रैक्टर की लिफ्ट कैपेसिटी की बात करें तो 750 केजी की इसकी लिफ्ट कैपेसिटी है। देख सकते हैं डीसी और पीसी लीवर है हाइड्रोलिक के। अब हम इस ट्रैक्टर की गियर की बात करें तो 9 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स है। अब हम उस तरफ चलते हैं और इसके हाई लो और मीडियम के गियर भी आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं हाई न्यूट्रल मीडियम और लो, 3 गियर है इसमें आप ट्रैक्टर में। और यह है 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव। अगर आप 4 व्हील ड्राइव करना चाहते हैं तो ट्रैक्टर के गियर को पीछे की तरफ करिए, और 2 व्हील ड्राइव करना चाहते हैं तो आगे की तरफ कीजिए। और यह इसका पीटीओ का गियर 540 न्यूट्रल 540E। और इसके पीटीओ पावर की बात करें तो 21.2 HP की पीटीओ पावर इस ट्रैक्टर में। और इस ट्रैक्टर में आपको मिलेगा सिंगल क्लच, और उसके पीछे आप देख सकते हैं यह ट्रैक्टर की पार्किंग ब्रेक। यह सब ट्रैक्टर की ब्रेक को खींच सकते हैं। और यह है डिफरेशन लॉक, जिससे क्या होगा दोनों पहिए हैं वो लॉक हो जाएंगे, अगर किसर में फंसा है तो निकलने के लिए आसान रहता है। यह उसकी ब्रेक, डिस्क ब्रेक मिलेगा आपको इसमें। ये उसके मीटर देख सकते हैं, शानदार है लुक में भी। और यहाँ से आप ट्रैक्टर की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, और यहाँ से आप ट्रैक्टर के इंडिकेटर को भी चला सकते हैं। देख सकते हैं LED दिए गए हैं इसमें आपको ट्रैक्टर की लाइट। और यहाँ से आप मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, और नीचे यहाँ है पार्क लैंप, और उससे नीचे आपको मोबाइल भी रख सकते हैं, और यहाँ से आप ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। यह उसका डीजल टैंक, 24 लीटर का आपको इसमें डीजल टैंक मिलेगा। हम टर्निंग रेडिएशन के भी बारे में बात करेंगे, उससे पहले देख सकते हैं एटम 26 फार्म ट्रैक। देख सकते हैं लुक 4X। अब हम इस ट्रैक्टर की टर्निंग रेडिएशन की बात करें तो 2100 mm का इसका टर्निंग रेडिएशन है। देख सकते हैं उसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 310 mm है। चलिए हम ट्रैक्टर के स्टेयरिंग को थोड़ा घुमाते हैं। 2100 mm का इसका टर्निंग रेडिएशन है। देख सकते हैं पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको इस ट्रैक्टर में, लुक के मामले में शानदार है। और इसकी स्टोर की बात करें तो 70.9.4 का इसका स्टॉक है। और इसकी टोटल वेट की बात करें तो 990 kg का इसका पूरा वेट है। और आगे देख सकते हैं तो 15 kg के वेट लगाए गए हैं। देख सकते हैं एक आगे है और एक इसके पीछे है, 15 kg के दो है। और आगे आपका ट्रैक्टर कहीं फंस जाए तो निकालने के लिए दिया गया है। और ये है इसका फार्म ट्रैक का लोगो, ये देख सकते हैं आगे की ग्रिल शानदार है ये लुक के मामले में। ये है 26 HP का मिसुबिशी का इंजन लगाया गया है इसमें। और ये है उसका केयर बटन, जहाँ से आप किसान कंपनी के साथ बात कर सकता है अगर कोई ट्रैक्टर में खराबी आए तो। ये है उसका लिफ्ट का लॉक, यहाँ से आप लिफ्ट को लॉक कर सकते हैं। और ये है उसका इंजन मिसुबिशी का, आपको इसमें 26 HP का इंजन मिलेगा। ये है उसके बोनेट को खोलने के लिए, सिंगल क्लच सिंगल मिलेगा आपको इसमें बोनेट। देख सकते हैं मैंने छोड़ दिया, ऊपर चला गया। देख सकते हैं आगे बैटरी है, और
वाटर दे दिया गया है क्योंकि ये वाटर कूल है इंजन, और यह जैक दिया गया है जिससे बोनेट हो ऊपर ही रह जाता है। ये उसका एयर फिल्टर जो कि ड्राई ट्राइप है, और इसमें फिर भी मैं बता दूँ इसमें है मिसुबिशी का इंजन। ये उसका साइलेंसर, और उसकी ओवरऑल लेंथ के बारे में बात करूँ तो 2,730 mm का ओवरऑल लेंथ है इस ट्रैक्टर की। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये 560,000 से 580,000 तक की इसकी प्राइस रहती है। अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदना चाहते हैं और गुजरात के जूनागढ़ से हैं तो वहाँ से जाके आप बात कर सकते हैं, नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके आप बात कर सकते हैं। अगर आपको सेकंड हैंड ट्रैक्टर खरीदना है तो उसके भी नंबर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और आप रोटावेटर भी खरीदना चाहते हैं तो उसके भी नंबर नीचे दिए गए हैं।